गोपाल, मैं शिवराज जयपुर राजस्थान से, और आज यात्रा के दौरान गुजरात में जो कि आपकी एक जगह है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीमार गोवंश को रखा जाता है। और अभी द्वारिका जाते वक्त आज यहाँ पे आने का अवसर मिला हमारे को। मूली इस गांव का नाम है। यहाँ पे सभी गौ भक्त मिलके बहुत अच्छी गौ माता की सेवा कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ, 11 दिसंबर 2021 को मैंने ये पदयात्रा प्रारंभ की। इस यात्रा को करीबन अभी 19 महीने हो चुके हैं, और 19 महीने की पदयात्रा के दौरान अभी तक 17 राज्यों की पदयात्रा करके 18वां राज्य गुजरात में आए हैं, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान होते हुए यात्रा भी गुजरात में पहुंची है। ये यात्रा भी करीबन नवंबर दिसंबर तक चालू रहेगी। 11,000 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य है गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिले, गौ हत्या बंद हो, देसी गौवंश को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले, सभी गौशालाएं नस्ल सुधार का कार्य करें, गौ रक्षा हो, गौ संवर्धन हो, और सभी के मन में गौ माता के प्रति भाव उत्पन्न हो। जहाँ पे भी गौ माता बीमार दिखे, हम सबका फर्ज बनता है कि गौ माता की सेवा की जाए, उनको उचित स्थान पे जहाँ उनकी सेवा हो रही है वहाँ पहुँचाई जाए। जय गौ माता, जय गोपाल।